हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज आपको ले चलेंगे खाटू श्याम बाबा की यात्रा पर, और हम इसी बस से खाटू श्याम बाबा की यात्रा पे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप गुड़गांवा से जा रहे हैं तो गुड़गांवा से 250 किलोमीटर पड़ता है, और हम 250 किलोमीटर तय करेंगे इसी बस से। तो ये बस जो है एसी बस है, जिसका किराया 800 रुपये है, और जो हम सभी लोगों को खाटू श्याम यात्रा पर ले जाएगी और बाबा के धाम पहुँचाएगी। तो जय श्री श्याम दोस्तों। दोस्तों, जब खाटू श्याम बाबा की यात्रा पे आप जाएंगे तो मेन हाईवे से, जयपुर वाले हाईवे से बस जाती है, और बीच में ये सभी को पता है कि बहुत बड़े बड़े होटल बीच में आते हैं। तो हम दोस्तों, हमारी बस थोड़ी देर चलने के बाद मन्नत होटल में रुकी है, जहाँ पे हमने अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लिया है। ब्रेकफास्ट में हमने चाय और परांठे लिए हैं दोस्तों। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचवाई हैं। उसके बाद अगर मन्नत होटल पे आप रुकते हैं तो वहाँ पे आपको ये बग्गी भी मिलेगी, जिसमें आप बच्चों को झुला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, और साथ में कैमल राइड भी मिलेगी। देखिए, यहाँ पे ऊँट खड़ा है और इसकी भी सवारी कर सकते हैं दोस्तों। अब ब्रेकफास्ट कर लिया है, इसके बाद हम चल दिए हैं खाटू श्याम बाबा की यात्रा पे। और रिंगस पहुँचने के बाद दोस्तों, ये देखिए क्या नज़ारा है, बाबा की मस्ती में सब चूर हैं और घूम रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं। ये है यहाँ की पार्किंग, और यहाँ पे हमारी बस खड़ी होगी खाटू श्याम बाबा के यहाँ पे, और यहाँ से हम दर्शन के लिए पैदल यात्रा करेंगे। दोस्तों, पार्किंग में उतरने के बाद हमने रिक्शा किया है, जो कि 20 रुपये लेगा, और आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं, थोड़ी सी दूर का ही 5 मिनट का रास्ता है। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे। उतरने के बाद ये बिल्कुल सामने ही जूस की दुकान है, जहाँ से थोड़ा सा जूस पिया। उसके बाद हमने ये टीका लगवाया है। टीका लगाने वाले आते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप इनको जो भी पैसे देना चाहे दे सकते हैं। तो देखिए, ये हम आगे हैं रेलिंग के पास, जहाँ से लाइन लगती है, और इसके सामने ही वो देखिए सामने प्रसाद की दुकान है, जहाँ से कि अब हम प्रसाद खरीदेंगे। तो आप सभी भक्तजन यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर आप लाइन में भी खड़े होंगे तो लाइन में से भी आपको प्रसाद मिल जाएगा। अंदर भी दुकानें हैं, और अंदर पानी की व्यवस्था भी है, जो कि मंदिर की तरफ से है। तो दोस्तों, ये जो डब्बे हैं छोटे, ये 50 रुपये के हैं, और मिक्स प्रसाद 100 रुपये का है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से, और बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम लाइन में लग चुके हैं। बाबा की जय जयकार हर जगह है, कोई बाबा को रोज़ भेंट कर रहा है, कोई बाबा को प्रसाद चढ़ा रहा है, जिनकी मन्नतें पूरी हो गई हैं वो भी बाबा को भेंट चढ़ाने आए हैं और अपने बाबा के दीदार करने आए हैं। तो दोस्तों देखिए, हम अपनी लाइनिंग में खड़े हुए हैं और लाइन चल रही है बाकायदा, और पूरे यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो सबको लाइनों को रोटेट कर रहे हैं, और सारा काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। बाबा को आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो कि लाइव है, और उसके बाद आप लाइन में चलते जाइए। बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी ही बाबा की मस्ती में चूर है, और आप देख सकते हैं कि आज ग्यास का दिन है, और उसके बाद भी यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। तो भीड़ बाबा के दर्शन के लिए हमेशा ही रहती है, आप कभी भी आ सकते हैं, तो आपको मेले जैसा ही महसूस होगा, और हमेशा ही बाबा के दर्शन के लिए लोगों की तादाद बढ़ती ही रहती है। तो जय श्री श्याम। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगी, अगर आप मन बना रहे हैं तो जरूर आइए, और नहीं बनाया है तो भी आइए, क्योंकि अगर आपने एक बार बाबा के दर्शन कर लिए तो आप किसी और चीज़ के दर्शन करने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि बाबा आपके सारे पीड़ा को हर लेंगे। तो दोस्तों, आप जरूर आइए और बाबा के दर्शन कीजिए। जय श्री श्याम। खाटू श्याम धाम में आपको हर जगह बाजार सजे मिलेंगे, बाबा के नाम के सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, जो कि आप ले सकते हैं और अपने घर के गेट पे, या अपनी गाड़ी में, या अपने घर में लगा सकते हैं, जहाँ भी आपकी इच्छा हो। और यहाँ से हर तरह का सामान आप परचेज कर सकते हैं, जैसे कि धार्मिक स्थलों पे जाते हैं और सारी चीज़ें मिल जाती हैं बाबा के नाम की, तो ऐसे ही आप यहाँ से सारा सामान ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो दोस्तों देखिए, सारे बाजार सजे हुए हैं, लोगों की भीड़ है, भक्तजन जगह जगह से सामान खरीद रहे हैं और अपने इच्छा अनुसार प्रसाद ले
ले रहे हैं और चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मार्केट एकदम जगमगा रही है, तो दोस्त आप भी आइए और यहाँ पे आके बाबा के दर्शन कीजिए और मार्केट में आइए। पास में ही मंदिर के यहाँ पे एक श्याम कुंड है, श्याम कुंड में आप स्नान कीजिए और कई देवता हैं यहाँ पे स्थापित जिनकी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। श्याम कुंड नहाने से सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार का दिन था तो यहाँ पे शनि मंदिर है जहाँ पे आपको ये तेल और दिए 10 रुपए में मिल जाएंगे और आप आके शनि मंदिर में भी अपना नाम का दिया जला सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम जय शनिचाय नमः। उसके बाद दोस्तों तोरण दरवाजे से आने के बाद हम यहाँ पे आ गए इस ढाबे पे, जिस ढाबे में आपको 100 रुपए में अनलिमिटेड फूड मिल जाएगा, 4 रोटी 1 सब्जी 1 दाल और सलाद मिल जाएगा। दोस्तों यात्रा करने के बाद हम लोग आ रहे हैं वापस और उसके बाद हम रुक गए हैं हाईवे किंग पे और जहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए कॉफी वगैरह मंगाई है। तो दोस्तों आपको यात्रा कैसी लगी तो जय श्री श्याम ब्लॉग में कमेंट में जरूर बताइएगा।